तंबुला में निकला बल्लेबाजों का दम, लेकिन दिखा जेमिमा और राधा का दम। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था इंडियन ओमेंस ने, जो कि टीम स्कोर बताता है सही नहीं रहा, क्योंकि भारत बना पाया केवल 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि जेमिमा रॉड्रिग्स ने 36 रनों की नाबाद पारी खेली 27 गेंदों में। ऐसा लग रहा था लंकन्स अपने घर में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन भारत के बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के वजह से ऐसा नहीं हुआ और श्रीलंका ओमेंस को निर्धारित 20 ओवर में केवल 104 रनों पर रोक दिया 5 विकेट की नुकसान पर। और 34 रनों की जीत के साथ भारत को 3 मैचों के T20 आई सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की राधा यादव ने, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिया। और अनोखी बात ये रही थी, भारत की तरफ से 7 गेंदबाज आजमाए गए थे, जिसमें शफाली वर्मा ने भी अपने 2 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, दूसरा T20 मैच भी दम्बुला में ही खेला जाएगा, तो भारत जीत को दोहराएंगे या लंकन्स करेंगे वापसी? क्या है आपका मानना, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।